नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को संडे स्पेशल नाश्ता चलिए बनाकर खिलाती हूँ। ये देखिए सामग्री है, ये मैंने एक प्याज लिया है, धनिया है, जीरा है, ये हींग ले लिया है, ये करी पत्ता थोड़ा ले लिया है, ये मूंगफली है और ये लहसुन अदरक और मिर्ची का कुटा हुआ पेस्ट है और नींबू एक ले लिया, ये ब्रेड है और ये मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग नमक आलू ले लिया है और ये कुछ मसाले हैं। चलिए, गैस मैंने पहले से ही कढ़ाई गरम कर लिया है, ऑयल डालते हैं। ऑयल में देखिए ऑयल गरम हो गया तो मैंने इसमें हींग डाल दिया है, जीरा डाला, जीरा थोड़ा क्रैक होने के बाद फिर उसके बाद करी पत्ता डाल देंगे। मेरी बेटी बैठी हुई थी इसलिए मैंने हाथ ऐसे कर लिया था और मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद, प्लीज़ मेरे चैनल, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देखिए मैंने मूँगफली भी डाल दिया है इसके साथ, मूँगफली भी थोड़ा रोस्ट हो जाएगा, तब तक मैं आलू को मैश कर लेती हूँ। आलू फिर लहसुन मिर्ची अदरक का मैंने देखिए पेस्ट डाल दिया है। ऐसे पेस्ट एकदम बारीकी से अच्छा रहता है, कुटा हुआ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आलू भी देखिए मैंने डाल दिया है, इसमें थोड़ा धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट अनुसार। ये मिला लेंगे, देखिए मैंने एक नींबू का रस निचोड़ कर डाल दिया है। आपके पास अगर आमचूर पाउडर है तो आमचूर पाउडर डाली, फिर नींबू मत डाली, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नींबू डाला, धनिया का पत्ता डाल दिया है। देखिए मेरा भरावन तैयार है। अरे मैंने तो ये तो आपको बताया ही नहीं मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ कटलेट ब्रेड का। देखिए ब्रेड को ऐसे भिगा कर पानी में हल्का सा, फिर इसका पानी निकाल लेंगे और मैंने थोड़ा सा सेवई भी लिया था, मेरे पास एक बिना रोस्टेड सेवई रखा हुआ था। अगर आपके पास सेवई नहीं हो तो सूजी भी चलेगा, सूजी भी ना हो तो चावल का आटा ले लीजिए, ये सब लगाने से ऊपर थोड़ा क्रंचपन आ जाता है। ऐसे डालकर फिर ऐसे बना लेंगे, लंबा कर लेंगे। ऐसे सेवई में लपेट लपेट कर उसमें डाल देंगे। ऑयल मैंने पहले से गरम करके रखा हुआ था, ये खाने बहुत टेस्टी लगता है। देखिए मैंने लाल हो गया, मैं निकाल ली हूँ। मैं घर में अपने ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।